सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन्स के बारे में, जो गाइस आपको अंडर 20 के अंदर इजीली देखने को मिल जाएंगे। और गाइस उसी के साथ गाइस आपको इन डिवाइस के अंदर भाई काफ़ी अच्छे भाई एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। उसके साथ गाइस आपको भाई काफ़ी अच्छे भाई 120 हर्ट्ज़ के भाई रिफ्रेश रेट भाई देखने को मिल जाएंगे। और गाइस काफ़ी अच्छा भाई आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, भाई गेमिंग होने वाला है प्रोसेसर आपका। उसके साथ गाइस आपको भाई काफ़ी अच्छे भाई एक बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये सारे फीचर्स का आपको इन फोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी होने वाली है। गाइस वीडियो को भाई एंड तक वॉच कर लेना, आपको भाई बता दूंगा भाई कौन सा आपको भाई फ़ोन परचेस करना चाहिए। तो भाई बिना किसी टाइम वेस्ट करें चलते हैं गाइस अपने वीडियो की तरफ, और भाई करते हैं भाई अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हमारा फर्स्ट डिवाइस है गाइस वीवो T2 5G, जो गाइस हमारा भाई 18 अप्रैल को भाई लॉन्च हुआ था। बात करें भाई इसके फीचर्स की, तो गाइस आपको भाई इस डिवाइस के अंदर भाई 6.38 इंच की भाई एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ गाइस आपको भाई 90 हर्ट्ज़ के भाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएंगे। और भाई उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें 1300 का भाई नीट्स का पीक देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइस आपको भाई काफ़ी अच्छी भाई बैटरी देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें 4500 mAh की भाई एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर गाइस आप भाई 3 आवर्स तक भाई कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हो। और भाई उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें 44 वाट का भाई एक फ्लैश चार्जर भाई देखने को मिल जाएगा, जो गाइस आपकी डिवाइस को भाई 25 मिनट्स के अंदर भाई 50% चार्ज करके दे देगा। मतलब भाई 50 मिनट के अंदर गाइस आपका भाई 100% चार्ज हो जाएगा भाई आपका डिवाइस। उसी के साथ गाइस आपको भाई इस फ़ोन के अंदर भाई क्वालकॉम का भाई स्नैपड्रैगन 695 का भाई एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो गाइस हमारा भाई 6 नैनोमीटर भाई बेस प्रोसेसर होने वाला है, जो गाइस आपके भाई 410,000 के अंडर भाई एंटीटू स्कोर के आता है। और भाई बात करें भाई इसकी फ़ोन की भाई गेमिंग की, सो गाइस आप भाई इस डिवाइस के अंदर भाई 40 FPS के भाई नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो भाई BGMI शेड्यूल के अंदर। और भाई बात करें भाई इसके फ्रेम ड्रॉप की, तो गाइस आपको भाई इसमें भाई कोई भाई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, चाहे भाई आप भाई COD खेल लो, BGMI खेल लो, PUBG Mobile खेल लो। उसी के साथ गाइस अगर आप भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर भाई अपने डिवाइस को खेलोगे, तो गाइस आपको भाई हल्के बल्के भाई फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं, और भाई आपकी जल्दी से भाई बैटरी ड्रेन हो सकती है। और भाई आपको फ़ोन भाई हीट नहीं होगा, बट भाई आपकी भाई बैटरी ड्रेन में जल्दी हो जाएगी, और गाइस आपको भाई थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ये था गाइस हमारा भाई वीवो T2 5G। सो गाइस हमारा नेक्स्ट डिवाइस होने वाला है गाइस OnePlus का Note C3 Lite 5G, जो गाइस हमारा भाई 11 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। बात करें भाई इसके फीचर्स की, तो गाइस आपको भाई इस डिवाइस के अंदर भाई 6.78 इंच की भाई एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर गाइस आपको भाई 680 नीट्स के भाई पीक देखने को मिल जाएंगे। आपको भाई इसमें ज़्यादा अच्छी भाई बैटरी देखने को नहीं मिलेगी। उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें 120 हर्ट्ज़ के भाई स्मूथ रिफ्रेश भी भाई देखने को मिल जाएंगे, ये भाई काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको गाइस इस डिवाइस के अंदर भाई ज़्यादा अच्छे भाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलते हैं भाई पिछले फ़ोन के हिसाब से, तो उसमें गाइस आप ज़्यादा अच्छे भाई गेमिंग कर सकते हो। उसी के साथ ही गाइस आपको उसमें 5000 mAh की भाई एक मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें भाई आप भाई 5 घंटे तक भाई कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हो, आपका भाई बैटरी ड्रेन भाई नहीं होगी। उसी के साथ गाइस आपको भाई इस डिवाइस के अंदर भाई 67 वाट का भाई सुपर VOC का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो गाइस आपके डिवाइस को भाई 40 मिनट्स के अंदर भाई 100% भाई चार्ज करके दे देगा। और भाई उसी के साथ ही गाइस आपको भाई बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो गाइस आपको भाई इसमें क्वालकॉम का भाई स्नैपड्रैगन 695 का भाई एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो गाइस भाई 6 नैनोमीटर भाई बेस्ट प्रोसेसर होने वाला है, जिसमें गाइस आपको भाई 412,000 से ज़्यादा का भाई एंटीटू स्कोर देखने को मिल जाता है। मतलब गाइस आपको भाई इस फोन में भाई ज़्यादा अच्छा भाई एंटीटू स्कोर देखने को मिलता है, इसका मतलब भाई आप इसमें ज़्यादा अच्छा भाई गेमिंग कर सकते हो। बात करें भाई इसके गेमिंग की, तो गाइस अगर आप भाई BGMI COD PUBG Mobile खेलोगे, तो उसमें गाइस आप भाई 40 FPS की भाई स्मूथ गेमिंग कर सकते हो, आपका भाई कोई भाई फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा। और भाई बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर गाइस जब आप गेमिंग करोगे, तो गाइस आपका फ़ोन भाई बिल्कुल भाई लैग नहीं होगा, बट भाई थोड़ा बहुत हीट हो सकता है। बाकी गाइस अगर आप भाई विदाउट रिकॉर्डिंग खेलोगे, तो गाइस आप भाई ज़्यादा अच्छा भाई एक्सपीरियंस ले सकते हो भाई डिवाइस के अंदर। तो गाइस ये था गाइस हमारा भाई OnePlus Note C3 Lite 5G। सो गाइस हमारा नेक्स्ट डिवाइस है भाई रियलमी Narzo 65G, जो गाइस हमारा भाई 15 जुलाई को लॉन्च हुआ था। और भाई इस डिवाइस के अंदर गाइस आपको भाई 6.43 इंच की भाई एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो गाइस हमारे भाई 90 हर्ट्ज़ के भाई होने वाली है रिफ्रेश रेट के साथ। उसके साथ गाइस आपको भाई इसमें एंड्रॉयड 13 भाई देखने को मिल जाएगा, जो गाइस रियलमी UI 4.0 होने वाला है। और गाइस के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें एक भाई 5000 mAh की भाई मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर गाइस आप भाई 5 आवर्स तक भाई कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हो। उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें एक 33 वाट का भाई फ्लैश चार्जर भी देखने को मिल जाएगा।
जो गाइस आपके फ़ोन का 50% बाई 30 मिनट्स के अंदर चार्ज करके दे देगा, मतलब भाई 1 आवर के अंदर गाइस आपका भाई 100% बाई फोन चार्ज हो जाएगा। उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इस डिवाइस के अंदर भाई मीडियाटेक का भाई डायनेस्टी 6020 का भाई चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो गाइस हमारा भाई 7 नैनोमीटर बेस वर्जन होने वाला है। और भाई बात करें इसकी गेमिंग की, तो गाइस अगर आप भाई BGMI PUBG मोबाइल सीडियो मोबाइल खेलोगे तो गाइस आप भाई 40 FPS की भाई नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, मतलब भाई आपका भाई अगर भाई आप विदाउट रिकॉर्डिंग खेलोगे तो गाइस आपका भाई बिल्कुल भाई गेम लैग नहीं होगा। मतलब गाइस जब आप भाई हॉट टॉप के अंदर भाई खेलोगे भाई रिकॉर्डिंग के दौरान, तो गाइस आपको भाई फ्रेम ड्रॉप भाई देखने को मिल सकते हैं और भाई फ़ोन भाई हीट भी देखने को मिल सकता है। मतलब अगर आप भाई इसमें खेलने वीडियो में खेलोगे तो गाइस देखो आपको भाई थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई अपने गेम को खेलते हुए। वहीं गाइस अगर आप भाई विदाउट रिकॉर्डिंग अपने गेम को खेलोगे तो गाइस आपको भाई लैग भाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस ये था भाई हमारा रियलमी नार्जो 65G। सो गाइस हमारा भाई नेक्स्ट डिवाइस होने वाला है गाइस सैमसंग गैलेक्सी M34 5G, जो गाइस हमारा 15 जुलाई को ही लॉन्च हुआ था। और भाई बात करें इसके स्पैक्स की, तो गाइस आपको इस डिवाइस के अंदर भाई 6.5 इंचिस की भाई एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो गाइस हमारी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर काम करने वाली है, जिसके अंदर गाइस आपको 1000 नीट्स के पीक देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छी भाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ ही गाइस आपको इस डिवाइस के अंदर भाई काफ़ी अच्छी भाई एक 6000 mAh की भाई मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर गाइस आप भाई 6 आवर तक भाई कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हो। उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इसमें 25W का भाई एक फ्लैश चार्जर भाई देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस के अंदर गाइस आपको जाइनोस का भाई 1280 का भाई एक 5 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो गाइस हमारा भाई ऑक्टा कोर 2.4 GHz का भाई प्रोसेसर होने वाला है। और भाई बात करें इसकी गेमिंग की, तो उसमें गाइस आप भाई BGMI PUBG Mobile के अंदर भाई 30 FPS की भाई गेमिंग कर सकते हो। और भाई इसमें अगर बात करें भाई रिकॉर्डिंग की, तो इसमें गाइस आप रिकॉर्डिंग भाई ज़्यादा अच्छा भाई एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, बट गाइस आप वीडियो रिकॉर्डिंग खेलोगे तो गाइस आपका भाई गेम भी काफ़ी अच्छे भाई संभाल लेगा भाई आपके डिवाइस को, ठीक है भाई। इस फोन के अंदर गाइस आप भाई विदाउट रिकॉर्डिंग खेलोगे तो गाइस आपका भाई बिल्कुल भाई फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा भाई, 30 FPS के अंदर भी काफ़ी अच्छा भाई का गेम चलेगा। उसके साथ अगर आप भाई रिकॉर्डिंग में खेलोगे तो आपको भाई फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भाई 30 FPS के अंदर भाई आपका थोड़ा बहुत भाई फ्रेम ड्रॉप हो सकता है। तो गाइस ये था गाइस हमारा भाई सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। सो गाइस हमारा नेक्स्ट डिवाइस होने वाला है गाइस टेक्नो का कैनन 20 Pro 5G, जो गाइस हमारा भाई 9 मई को रिलीज़ हुआ था। और भाई इस फ़ोन के अंदर गाइस आपको 6.67 इंचिस की भाई एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो गाइस हमारी 120 Hz के रिफ्रेश रेट पर काम करने वाली है। उसी के साथ ही गाइस आपको भाई इस डिवाइस के अंदर भी काफ़ी अच्छी भाई एक 5000 mAh की भाई एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर गाइस आप भाई 5 आवर्स तक भाई कंटिन्यू गेमिंग कर सकते हो। उसी के साथ ही गाइस आपको उसमें 33W का भाई एक फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाएगा, जो गाइस आपके डिवाइस को भाई 55 मिनट्स के अंदर भाई 100% भाई चार्ज करके दे देगा। सो गाइस बात करें भाई इसके प्रोसेसर की, तो गाइस आपको भाई इस डिवाइस के अंदर भाई मीडियाटेक का भाई डायनेस्टी 8020 का भाई चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो गाइस हमारा भाई 6 नैनोमीटर का बेस प्रोसेसर होने वाला है। बात करें भाई इस फ़ोन के गेमिंग की, इसमें गाइस आप भाई BGMI PUBG Mobile CODO Mobile के अंदर भाई 60 FPS की भाई गेमिंग कर सकते हो। और भाई अगर आप भाई 60 FPS के अंदर भाई इसमें गेमिंग करोगे तो गाइस आपका भाई बिल्कुल भाई गेम लैग नहीं करेगा। और गाइस अगर आप भाई रिकॉर्डिंग में खेलोगे तो उसमें गाइस आपका भाई हल्का फुल्का भाई फ्रेम ड्रॉप हो सकता है, मतलब भाई आपका ज़्यादा लैग भाई नहीं होगा, मतलब भाई काफ़ी अच्छी भाई इसमें आप गेमिंग कर सकते हो भाई 60 FPS के अंदर। तो भाई ये फ़ोन भाई मुझे सबसे अच्छा लगा भाई बाकी फ़ोन के हिसाब से, भाई 60 FPS के आप इसमें गेमिंग कर सकते हो भाई बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के। तो ये था गाइस हमारी वीडियो में, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।